वो कौन सी इंडियन मूवी थी जिसने 100 करोड़ क्लब से लेकर 600 करोड़ क्लब तक की शुरुआत करी थी हिंदी वर्जन में। वो आज हम आपको डिटेल में बताने वाले वो कौन कौन सी मूवी थी वो सभी बताने से पहले आप लोग बता दें वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। बता दें वो पहली मूवी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार करा था वो थी गजनी मूवी आमिर खान की। बता दें जिस मूवी ने सबसे पहले 200 करोड़ का आंकड़ा पार करा था बॉक्स ऑफिस पे इंडिया के हिंदी वर्जन में वो थी 3 इडियट जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली मूवी थी पीके 2014 में इस मूवी ने ये कारनामा किया था। फिर 2017 में बाहुबली 2 ने 400 करोड़ क्लब की शुरुआत करी थी हिंदी लैंग्वेज में। फिर बाहुबली 2 ने 2017 के अंदर ही 500 करोड़ क्लब की भी शुरुआत कर दिया था हिंदी लैंग्वेज में। फिर बात करें आ जाती है स्ट्रीट 2 मूवी जिस मूवी ने 600 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दी है 2024 में। बता दें इस मूवी इस लिस्ट में शाहरुख खान की पठान मूवी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड मूवी की लिस्ट में आती है। अगर हिंदी वर्जन की लिस्ट आए ऑल ओवर इंडिया की उसमें बाहुबली 2 का नाम आ जाता है। इस वीडियो को 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।